रहमान रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल से आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हम भी खैर आफियत से हैं। आज हम बनाएंगे मटर कीमा, मटर और चिकन का कीमा। आज हमारे घर मेहमान आए हुए हैं इसलिए हम इसको ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और ऑयल में आपको इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि ऑयल तो ऑलरेडी हर चीज़ में डलना ही होता है। चिकन का कीमा ले लें 1.5 kg, 1 kg मटरों के दाने, तकरीबन 1/2 kg टमाटर, ये भी 1/2 kg टमाटर, सॉरी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिया, जीरा, दालचीनी, 2-3 बादियान के फूल, 1 लौंग और 4-5 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें, और यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर और कसूरी मेथी, नमक, हल्दी और मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और सब्ज धनिया पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, ये इंग्रेडिएंट्स हमें इसके लिए चाहिए। चलें जी अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी और बादियान के फूल, इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। इससे हांडी में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, तो बटन जो था वो छोटा है तो अब हम इसको थोड़े देर के में चिप करने लगे कर दिया हमने। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह प्याज थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज मिर्चें डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला काफी हद तक भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कीमा। अब हम इसमें नमक मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह कीमा भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर और सूखा धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे मटर, ये तो अब हम मटर कीमे को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खुशबू में आना स्टार्ट हो चुकी है। जी तो सॉरी हम आपको दही दिखाना भूल गए थे, तो इस पॉइंट पे दही डालना है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि दही के जो पानी, दही के पानी से इसके इसमें जो फसल आती है वो पूरी हो जाए। जी तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारा कीमा डाल चुके हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह कीमा और मटर अल्हम्दुलिल्लाह डाल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और कसूरी मेथी। Thank you.
तो अलहमदिल्ला आप देख रहे हैं कीमा और मटर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया। जानी को लगा कि मटर अभी गले नहीं है सही से, तो अब हम इसमें एक कटोरी पानी और ऐड कर देंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा और धनिया ऐड करेंगे। अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम सालन रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मजे की रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने जब ये बनाई तो आपको कैसी लगी। और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब करे। अल्लाह ताला आप पे अपना खास फजल फरमाए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब करे। मुझे भी दुआ में याद रखेगा। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।